दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में। दोस्तों अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन सी पार्टी नेशनल पार्टीज हैं और कौन कौन सी पार्टी स्टेट पार्टीज हैं, या फिर किन किन पार्टीज को नेशनल पार्टीज कहा जा सकता है, नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है, क्या कंडीशन होती है जिस कंडीशन को फिलअप करने के बाद पार्टी जो होती है वो नेशनल पार्टी बन जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे भारत में कुल कितनी नेशनल पार्टीज इस समय हैं और उनके बारे में जानेंगे कि कब स्थापना हुई थी, उनका लोगो क्या है, कौन पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर जानना है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों जल्दी से, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, हमारे दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारत में कितनी नेशनल पार्टीज हैं। दोस्तों इंडिया में टोटल 8 नेशनल पार्टी है, 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, और वहीं 52 यानी 52 स्टेट पार्टीज हैं। वैसे टोटल अगर बात की जाए तो 2293 पार्टी हैं पूरे भारत में, यानी लगभग 2300 हम लोग कह सकते हैं, 2300 के आसपास पार्टी पूरे इंडिया में है। लेकिन स्टेट लेवल का जिसे दर्जा प्राप्त है उतनी पार्टीज़ हैं केवल 52, और उन पार्टी जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है वो हैं 8। ठीक है, तो 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम लोग इन्हीं 8 के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है किसी भी पार्टी को। तो इसके लिए दोस्तों 3 कंडीशंस होती है, इन 3 कंडीशन को अगर कोई पार्टी फिलअप करती है, पूरा करती है, तो फिर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। वो 3 कंडीशन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो पार्टी हो यानी जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना है उस पार्टी को मिनिमम 2% सीटें लोकसभा में जीतनी ही होगी, उसके 2% सीट लोकसभा में जीतने हो। ठीक है, वो भी मिनिमम 3 डिफरेंट स्टेट से, एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट से उसके 2% सीट होने चाहिए लोकसभा में। आपको पता होगा कि लोकसभा में जो सीटें आती हैं वो विभिन्न राज्यों से आती हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जाती हैं लोकसभा में, ऐसे ही मिनिमम 3 डिफरेंट स्टेट से मिनिमम 2% सीटें लोकसभा में उस पार्टी की हों। ठीक है, उस स्पेशल पार्टी से। दूसरा कंडीशन ये है कि जनरल इलेक्शन जो होता है यानी आम चुनाव जो होता है, चाहे वो लोकसभा का आम चुनाव हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का यानी कि विधानसभा का आम चुनाव हो, उस आम चुनाव में दोस्तों टोटल जो वोटिंग हुई रहती है उस वोटिंग में 6% वोट उस पार्टी के हों। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सी भी एक पार्टी है, मान लीजिए ABC, किसी भी पार्टी का नाम है ABC, और इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है, तो फिर इसके 2 कंडीशन जो मैंने ऊपर के बताए, जैसे कि मिनिमम 2% सीट लोकसभा में इसकी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी 3 अदर स्टेट से, 3 डिफरेंट स्टेट से। और दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए इस पार्टी के जो भी आम चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है या फिर विधानसभा चुनाव होता है, तो इस पार्टी को 6% वोट हासिल हुआ हो, जो टोटल वोटिंग हुई रहती है जहाँ पर वोटिंग होना है उस टोटल वोटिंग का 6% वोट इस पार्टी को मिनिमम मिला हो। ठीक है, और वो भी 4 अलग अलग राज्यों से, ठीक है, 4 या फिर उससे ज़्यादा राज्यों से। क्लियर, 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन बहुत ही ईजी है कि वो जो पार्टी हो उसको 4 अलग अलग स्टेट में पहचान मिली हो स्टेट पार्टी के रूप में, यानी कि वो पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में, मिनिमम 4 अलग अलग राज्यों में राजकीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त हो या पहचान प्राप्त हो। फिर है तो ये 3 कंडीशन है, अगर इन 3 कंडीशन को कोई भी पार्टी फिलअप करती है तो फिर उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ऐसी टोटल दोस्तों भारत में 8 नेशनल पार्टीज हैं। कितनी पार्टीज हैं? 8 नेशनल पार्टीज हैं। अब ये 8 नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले पार्टी का नाम है दोस्तों ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, AITC। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इस पार्टी की संस्थापक थी ममता बनर्जी जी, और इस पार्टी की सुप्रीमो भी अभी ममता बनर्जी जी हैं, और पश्चिम बंगाल में सरकार भी इन्हीं की है, इसी पार्टी से हैं। ठीक है, सिंबल आपको दिख रहा है पार्टी का, ठीक है, पार्टी का सिंबल यही है। अगला अगर बात करें, दूसरा बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, इसको काशीराम जी ने स्थापित किया था और मायावती जी इस पार्टी की अभी सुप्रीमो हैं। सिंबल आपको दिख रहा है हाथी, और इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में हुई थी इस पार्टी की स्थापना। इतना क्लियर है।
तीसरी पार्टी है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फाबेट आर्डर में लिखा गया है, ये नहीं आर्डर है इसका कि कौन सी पार्टी कितनी बड़ी है, इसका ध्यान रखिएगा। बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि ये अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखा गया है। ओके, इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और इन्होंने ही इस पार्टी की नींव रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बाद में इस पार्टी का नाम रख दिए भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। क्लियर है। इस समय कौन है इसके अध्यक्ष, तो जेपी नड्डा जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ओके, और पार्टी का चिन्ह है लोटस यानी कि कमल है इसका चिन्ह। ठीक है, अभी आपको पता होगा ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, अभी हाल ही में ये 11वें बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कौन थे, अमित शाह जी थे इससे पहले बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष। ओके, चलिए अगली है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। CPI ये 1925 में स्थापित हुई थी CPI पार्टी, और इसको अबानी मुखर्जी और चारू मजूमदार ने स्थापित किया था। क्लियर है, तो 1925 में CPI का गठन हुआ था, ये भी जानी मानी पार्टी है। डी राजा हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष, कौन है, डी राजा है। साउथ इंडियन एरिया में दोस्तों ये पार्टी का ज़्यादा दबदबा है, ठीक है, दक्षिण भारत क्षेत्रों में। और इसी से मिलता जुलता एक और पार्टी है, ठीक है, 1964 में जो बनी CPIM, इसी से मिलती जुलती पार्टी ये भी है। 1964 में इसकी स्थापना हुई और सीताराम याचुरी जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। इस पार्टी के संस्थापक थे ज्योति बसु और EMS नंबूदिरी पाद, ठीक है, नंबूदिरी पाद इसके संस्थापक थे। तो ये पार्टी का सिंबल भी आपको कुछ मिलता जुलता ही मिलेगा CPI से, ये CPI मेन जो पार्टी है उसका सिंबल है और यहाँ पर देख लीजिए इस CPIM का सिंबल है। ओके, अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है दोस्तों। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे और व्योमकेश चंद बनर्जी थे, WC बनर्जी, ठीक है, व्योमकेश चंद बनर्जी, और ये दिनसा वाचा और एलन ऑक्टिवियन ह्यूम या AO ह्यूम। तो AO ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी और दिनसा वाचा, इन चारों ने मिलकर के इस पार्टी की स्थापना की थी। और अभी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं। अंतरिम अध्यक्ष का क्या मतलब होता है, टेम्प्रोरी समझ लीजिए। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव इस बार हार गई थी कांग्रेस पार्टी, तो फिर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे इससे पहले, ठीक है, तब इस्तीफा दे दिया, तो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बने हैं। अगला है NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी बहुत ज़्यादा चर्चे में आई थी अभी, कब आई थी, जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे 1999 में। इस पार्टी की स्थापना हुई शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। शरद पवार जी वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपको याद होगा जब देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के हैं वो महाराष्ट्र में, उनकी सरकार जब गिरी, ठीक है, वो सरकार बनाए थे मिलकर के शिवसेना से गठबंधन करके, लेकिन फिर हुआ क्या कि शिवसेना में NCP और कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों में समर्थन किया और फिर कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले को बना दिया गया महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष, और शिवसेना पार्टी के जो अध्यक्ष थे उद्धव ठाकरे वो बना दिए गए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और NCP के यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के ही जो भतीजे थे अजीत पवार, इनको बना दिया गया उप मुख्यमंत्री DC। इस वजह से इस पार्टी की खूब चर्चा हुई थी और ये आपको याद रखना है। क्लियर, पार्टी का सिंबल आपको दिख रहा है। लास्ट यानी आठवीं पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। अभी हाल ही में दोस्तों इसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक ही दो साल हुए, इसे मिला है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। इस पार्टी के संस्थापक थे PA संगमा और कॉनराड संगमा जी वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कॉनराड संगमा और क्या है, ये दोस्तों मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के, मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी हैं कॉनराड संगमा, और सिंबल आपको दिख ही रहा है। तो PA संगमा ये आप देख रहे होंगे कि इन्होंने NCP पार्टी के गठन में भी हिस्सेदारी ली थी, यानी कि यही मिलकर के, और शरद पवार और तारिक अनवर, ये तीनों मिलकर के पहले NCP पार्टी बनाए, फिर PA संगमा ने अपनी अलग एक और पार्टी बनाई। दोनों याद रखिएगा आप लोग। क्लियर। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर दोस्तों आप लोग को ये जो लास्ट वाला दिख रहा है नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP, इसका हेडक्वार्टर है मणिपुर में।
ठीक है। और जो शुरू में आपको पहली पार्टी मैंने आपको बताई थी ममता बनर्जी वाली, कौन सी, AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बाकी का सभी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। बाकी सभी पार्टियों का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, क्लियर। तो केवल दो आपको याद रखना है, एक तो ममता बनर्जी वाली जो कोलकाता में है, आपको याद हो जाएगा इजिली क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की पार्टी है, और एक नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, ये मणिपुर में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी सभी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, क्लियर बिल्कुल। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को भी, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। दो चैनल हैं हमारे, दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, एक मिश्रा जी टेक्निकल मेन चैनल जो है और दूसरा है MJT एजुकेशन 2.0। दोनों ही चैनल पर आपको काफ़ी यूजफुल कंटेंट मिलेंगे स्टडी से रिलेटेड। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित ही यहाँ से वीडियोस हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।